गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अपना डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं डेट टू इक्विटी रेशियो से। मैंने आप लोगों को डेट टू इक्विटी रेशियो में जो होमवर्क दिया था वो 36 से 46 दिया था, ठीक है ना। जो भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कुछ आप लोगों को डाउट्स में दिए थे होमवर्क के लिए, तो जो होमवर्क में दिए थे अगर उनमें डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। चलो बताओ जरा डाउट्स में कौन कौन से हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों मैं अपना नया आज आप लोगों के साथ नया फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, जो कि हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो के बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, ठीक है। तो अब हमारा बच्चों फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बच्चों हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। तो अभी अभी आप लोगों ने डेट तो करके आए हैं, तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं। टोटल एसेट्स क्या होता है हमारा, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है ना। ये होता है बच्चों हमारे टोटल एसेट्स, क्या होते हैं हमारे टोटल एसेट्स। हम लोगों ने डेट टू इक्विटी रेशियो कर लिया, अब हम लोगों को टोटल एसेट टू डेट रेशियो करना है। अच्छा अगर हम बात करें डेट की, तो डेट बच्चों जो अभी हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में किया था वही रहेगा, सेम मीनिंग, ठीक है ना, सेम मीन एज प्रीवियस, ठीक है। यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा मीनिंग, बच्चों वही मीनिंग रहेगा जो आपने डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट पढ़ा था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ यहां पे टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, तो टोटल एसेट है हमारे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। अच्छा अब जरा बात करते हैं कि नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती है, टैंजिबल एसेट्स, ठीक है, और होती है इनटैंजिबल। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नॉन करंट एसेट्स में हमारी होती है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, और उसके बाद है करंट एसेट, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना टोटल एसेट टू डेट रेशियो। एक चीज और बच्चों, यहां पे डेट को मैंने क्लासिफाई नहीं किया है, डेट को नहीं बताया कि क्या क्या है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में जो डेट का मीनिंग था वही यहां पे होगा, वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोले तो बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी वही रहेगा, ठीक। चलिए तो ये आप लोगों ने लिख लिया, तो फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जल्दी से लिख लीजिए इसे आप लोग, फिर मैं आप लोगों के साथ आज डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जिन्होंने होमवर्क कर लिया था हाथ खड़े करो जरा। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो में, तो जल्दी से ओपन करिए बुक। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर एक, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चलो ये रख कर रहा हूं मैं, हालांकि हमें फॉर्मूले में यही चाहिए, बट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल का बच्चों, जो कि पेज नंबर है, ठीक है ना, ये डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से एक एक करके क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं जो पेज नंबर 4.104 पे है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर इस वाले टॉपिक से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 50 और 51, और फिर इसी टॉपिक से मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा
क्वेश्चन नंबर 54। तो मैं आप लोगों से इस वाले फॉर्मूले से ये चार क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में होंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग टोटल एसेट टू डेट रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 47। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं 47। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है एंड टोटल एसेट्स गिवन है। लो ये तो सिंपल ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ये लीजिए तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा, टोटल एसेट्स चाहिए हमें, ठीक है, क्या चाहिए हमें, टोटल एसेट्स और हमें क्या चाहिए, डेट्स चाहिए। ये लीजिए डेट्स मतलब बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 47 में हमें लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है 4 लाख और बच्चों टोटल एसेट्स गिवन है 7,70,000। ये लीजिए तो फॉर्मूले लिख देते हैं 7,70,000 एंड डेट्स है बच्चों 4 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा रेशियो, वो देख लेते हैं, 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.925:1, ठीक है। आप लोग आंसर बाद में मैच कर लेना, ये सिंपल था बच्चों, पहले सिंपल से तो आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे, एकदम से थोड़ी ना कूद जाएंगे टफ क्वेश्चन पे, ठीक है, हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल था, हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो चाहिए था, टोटल एसेट्स भी गिवन था और डेट भी गिवन था। अगर बच्चों ये नहीं गिवन है तो ये हमें बनाना पड़ता है क्वेश्चन में, हमें ये तो सिंप्लीफाइड डेटा दे दिया था, हमने डायरेक्टली यूज किया, हमारा आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग डेटा देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम टोटल एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, डेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूले हमें सारे पता है, ठीक है। ये लीजिए तो ये रब कर देते हैं, हमारा 47 हो गया बच्चों। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 48। कौन सा डिस्कस करूंगा, 48। ये लीजिए जरा देखिए 48 क्या कह रहा है, 48 में, 48 में कह रहा है बच्चों शेयर होल्डर फंड 1,60,000, टोटल डेट्स 3,60,000, करंट लाइबिलिटी 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है। तो उसने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया बच्चों, क्वेश्चन देखिए 48 सारे लोग, हमें दे रखा है शेयर होल्डर फंड 1,60,000, टोटल डेट दे रखा है बच्चों और करंट लाइबिलिटी दे रखा है। कह रहा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड आउट करो, हमने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखो बच्चों हमें निकालना है टोटल एसेट और डेट, डेट आप लोगों को निकल जाएगा, टोटल डेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो हमारा डेट आ जाता है ना, ये तो हमने सीखा ही है। तो टोटल एसेट्स देखो, टोटल डेट है हमारा 3,60,000 माइनस करंट लाइबिलिटी है बच्चों इस क्वेश्चन में 40,000। ये लीजिए तो ये आ गया हमारा 3,20,000, ठीक है। ये तो हमारा बच्चों डेट तो आ गया ना 3,20,000, तो लीजिए डेट रख देते हैं 3,20,000। अब हमें निकालना है टोटल एसेट्स। अब भैया इसमें एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आप टोटल एसेट्स को डायरेक्टली निकाल पाओ, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला पहले लगा लेंगे, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहां पे। देखो ना, एक भी आइटम एसेट्स वाली नहीं दी है, मैं कैसे निकालूं टोटल एसेट्स, है ना। तो हम लोग कहेंगे वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ये वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो अब आपके पास सारी की सारी लाइबिलिटी गिवन है। तो देखो क्या क्या गिवन है बच्चों, टोटल एसेट्स शेयर होल्डर फंड प्लस, ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, बस हो गया काम हमारा। ये कंफ्यूज कर रहा है, हम थोड़ी ना कंफ्यूज होंगे, हम तो जानते हैं वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अब एसेट्स को अगर हमें टोटल लाइबिलिटी पता चल जाए तो वही तो हमारी टोटल एसेट्स होगी। तो बच्चों यहां पे हमने पहले ये बता दिया कि हमारी टोटल एसेट्स इक्वल होती है टोटल लाइबिलिटी के, और क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी गिवन है,
शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट को ऐड करो तो हो जाएगा। टोटल डेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये लीजिए टोटल डेट तो पता है हमें 3,60,000, ठीक है। शेयर होल्डर फंड कितना बच्चों क्वेश्चन में 1,60,000 हो गया हमारा टोटल। ये लीजिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया हमारा 3,60,000 प्लस 1,60,000 हो गया बच्चों 5,20,000। ये लीजिए टोटल आ गया 5,20,000, इसे सॉल्व कर लीजिए डिवाइडेड बाय 3,20,000 तो ये आ गया बच्चों 1.625:1। लीजिए ये आंसर भी आ गया, ठीक है ना। कैसे निकला बच्चों, इसमें हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना पड़ा, जो हमने 11th क्लास में चीजें सीखी वो वाली, बस और कुछ नहीं बच्चों। हमने हमें पता था टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगा, हमने उसको अप्लाई कर दिया। और तो बच्चों यहां पे एक भी एसेट्स गिवन नहीं थी, तो टोटल एसेट्स कैसे निकालते, तो हमने टोटल लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि भाई टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के इक्वल होगा। तो हमारा आ गया, तो टोटल हमने एसेट्स कैसे फाइंड आउट करी, टोटल पहले लिख दिया यू नो दैट, और शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को ऐड कर दिया, यही हो गए बच्चों हमारी टोटल एसेट्स को रख दिया, ठीक है ना। चलो तो अब हमारा 50 भी हो गया क्वेश्चन, तो इसको रब कर देते हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो अब मैं आप लोगों के साथ करूंगा बच्चों 51 करूंगा, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूं मैं, ये 51 करते हैं। ये बच्चों बहुत छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं पर दिमाग नहीं लगा पाते बच्चे, बट जबकि बच्चों बहुत ही इजी होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ आपको फॉर्मूले और थोड़ा सा लॉजिक पता हो तो ये जल्दी हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है 51 है, जबरदस्त ध्यान से समझना, इजी है वैसे। कह रहा कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा वो देखना है। कह रहे टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अरे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा नलायक क्वेश्चन, हम थोड़ी ना होंगे क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज। बच्चों इतना सिंप्लीफाइड डेटा दे रखा है, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो गए तो जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको कैसे किया जाएगा। तो ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो टोटल एसेट्स तो डायरेक्टली गिवन है, टोटल एसेट्स कितनी है 15,00,000, ठीक है। अब हमें निकालना है डेट्स, तो डेट्स का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जल्दी बताओ आप लोग। ये वाला फॉर्मूला बच्चों, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन में हमें टोटल डेट्स भी दे रखे हैं, टोटल डेट्स कितने हैं बच्चों 12,00,000, ये लीजिए। अब माइनस कर दीजिए करंट लाइबिलिटी, अब इसमें करंट लाइबिलिटी के ना एक एक आइटम दे दिए बच्चों, पूरा ग्रुप ना देके एक एक आइटम दे दिया, जैसे क्रेडिटर्स, ठीक है ना, क्रेडिटर्स दे दिया, और क्या दिया है प्लस क्रेडिटर के बाद बच्चों बिल्स पेबल दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, प्लस और क्या दे रखा है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमें तो पता ही है ये सारे के सारे हमारे करंट लाइबिलिटी होती है, तो देखो करंट लाइबिलिटी को डायरेक्टली ना देखे, उसने टोटल डेट तो बोल दिया पर करंट लाइबिलिटी नहीं बोला, करंट लाइबिलिटी की जगह ये आइटम अलग अलग दे दिया, तो इन सबको प्लस करके माइनस कर दो। ये लीजिए तो क्या क्या गिवन है बच्चों, 90,000 है क्रेडिटर का, बिल्स पेबल की वैल्यू है बच्चों 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 20,000। ये लीजिए 12,00,000 माइनस, इन सबको प्लस कर लो, 90 और 60 150 बच्चों, 150 और 50 2,00,000 2,20,000। ये लीजिए तो ये आ गया बच्चों हमारा 9,80,000। तो टोटल एसेट्स तो पता ही थी, टोटल लाइबिलिटी सॉरी डेट हमने फाइंड आउट कर लिया टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करके। तो ये लीजिए टोटल एसेट्स 15,00,000 माइनस डेट, ये लीजिए। तो आंसर निकाल लेते हैं बच्चों, ये आ गया बच्चों 1.53:1, ये आंसर है हमारा।
तो चेक कर लेना आप लोग 1.53, ये बच्चों पॉइंट है यहां पे 1.53:1। तो ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों 51। अब हम लोगों को कौन सा करना है देख लीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों से तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि बच्चों ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बट वहां पे ना हमें फॉर्मूला ध्यान नहीं होता। अभी क्या है, अभी पर्टिकुलरली हम यही चैप्टर कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो इजी है, बट बच्चों एग्जाम में तीनों बुक आती हैं, तो हमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, करंट लायबिलिटी ये सब होती है, ये प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलो तो इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 54 इस वाले टॉपिक से, ठीक है ना। ये तो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 54 लीजिए। तो 54 देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। बच्चों 54 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कह रहा है फिक्स एसेट ग्रॉस दे रखी है बच्चों, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होगा, ठीक है, नेट वैल्यू को फाइंड आउट करने, वो हमें टोटल एसेट दे रखी है बच्चों ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, फिक्स एसेट्स ग्रॉस दे रखा है, तो अगर मैं उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो नेट वैल्यू आ जाएगी, और हमें चाहिए भी नेट वैल्यू ही होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलो तो अब जल्दी से इसे कर लेते हैं बच्चों। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, इसने हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो याद रखना ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो दिया है ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, यानी एसेट्स का पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है। अगर ये लाइबिलिटी होता तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही देता, उसे अलग से नहीं देता, ठीक है ना। तो लीजिए हम लोग करते हैं टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है और डेट, तो पहले टोटल एसेट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। लीजिए फिक्स एसेट्स माइनस डेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स गिवन है हमें, प्लस लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस डेबिट बैलेंस, ऑल्दो वहां पे डेबिट बैलेंस लिखा नहीं है बच्चों, बट आप लोग उसे डेबिट बैलेंस ही मान के करना कि हमारा वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें डेट फाइंड आउट करना है, तो डेट में आ जाएगा बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी आता नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा। लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो देखो हमारी फिक्स एसेट्स है 6 लाख और बच्चों डेप्रिसिएशन है 1 लाख प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 10,000, करंट एसेट्स है बच्चों हमारे 2,50,000 और लोन एंड एडवांसेस है हमारे 40,000, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे 3 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है बच्चों हमारा 1 लाख, ये लीजिए। तो टोटल कर लेते हैं 6 में से बन गया 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख और 50,000, तो ये हो गया बच्चों 550 और 56 8 लाख, ये लीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है, टोटल तो 8 लाख आ रहा है और ये आ रहा है बच्चों हमारा 4 लाख, ये लीजिए। तो टोटल एसेट्स पता चल गई 8 लाख, 2 लाख और ये हो गया बच्चों हमारा 4 लाख, तो ये आ गया बच्चों हमारा 2:1, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 2:1। इसका आप आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और तो मुझे आंसर नहीं पता, नहीं तो बच्चों पेज पलटने पड़ेंगे, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पे जो कंफ्यूजिंग वाली आइटम थी, मतलब अभी तो कंफ्यूजिंग नहीं हो गया, अभी तो आप कर ही रहे हो, बट एग्जाम में बच्चों ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है ना, आप लोग इसे लाइबिलिटी मान लेते हो, ये आप लोगों को गिवन है ना बच्चों लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 40,000, मैक्सिमम बच्चे इसे लाइबिलिटी मान लेते हैं बच्चों। अगर वो लाइबिलिटी होता, मैं कह रहा हूं चलो ठीक है वो लाइबिलिटी होता, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इंक्लूडेड होता, हम उसे अलग से इंक्लूड क्यों करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है सारी की सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, जैसे हमारा डिवेंचर आता है, मोर्गेज लोन आता है। तो यहां पे आप लोगों को प्रैक्टिस से अपना सेंस यूज करना है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, जो हमारा रेशियो का चैप्टर होता है इसमें आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है,
आपको सारी नॉलेज भी होनी चाहिए और लॉजिक भी लगाना आना चाहिए और आपका सेंस भी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस होता है, बट डेबिट की वजह से वो एसेट्स बन जाती है और क्रेडिट बैलेंस हो तो वो लाइबिलिटी बन जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो हमारे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बच्चों अब इस वाले टॉपिक से मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है 48, 49 और 52 और 53, ये आप लोगों का होमवर्क का पार्ट है, ठीक है ना। ये आप लोग होमवर्क में करोगे, तो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन चले गए, होमवर्क में चले गए बच्चों क्वेश्चन 48, 49, 52 एंड 53। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में चले गए, ऐसे ही होंगे ये जैसे मैंने ये वाले करवाए, ठीक। चलो तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। रेडी हो जाइए अगले टॉपिक के लिए, तो मैं ये रब कर रहा हूं। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो प्रोप्राइटरी रेशियो करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम उस वाले को भी डिस्कस करते हैं आज। चलो भाई देखो जरा सारे के सारे, ठीक है बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोप्राइटरी रेशो डिस्कस करेंगे बच्चों। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लीजिए, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स, ठीक है। अब जरा टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट करी जाती है और शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है, जिसमें हमें चाहिए होता है शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो को, बच्चों इसी को तो इक्विटी कहा जाता है, ये कुछ बदला थोड़ी ना है, हमने इक्विटी ना बोलकर इस बार शेयर होल्डर फंड बोल दिया, ये इक्विटी भी बोल दिया, मतलब यहां पे हो सकता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो यहां पे शेयर होल्डर फंड चलिए। अब हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में यही तो निकालना सीखा था, शेयर होल्डर फंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स तो अभी सीखा हमने टोटल एसेट टू डेट रेशियो में, तो दिक्कत क्या है, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है। तो मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, इस टॉपिक में वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 55, 56, 57, 58 टोटल 4 क्वेश्चन है हम लोगों के। तो मैं आप लोगों से एक तो 56 डिस्कस करने वाला हूं और एक मैं आप लोगों से 58 डिस्कस करने वाला हूं, तो 50 क्योंकि वो रीजन वाला है बच्चों, ठीक है ना, तो उसमें हमें डिस्कस करना होगा कि किस तरीके से, बहुत ही इजी टॉपिक है ये 56 और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसमें 58, ये लीजिए, ठीक है। चलो अब सबसे पहले 56 को देखते हैं कि क्या है, क्या रहा है, करना क्या है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। अच्छा अब ये प्रोप्राइटरी रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपसे वाइवा में, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बुक से आप लोगों का वाइवा भी होगा, ठीक है ना, आप लोगों का इसी बुक से ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो होता है और वाइवा वगैरह भी डिस्कस किया। और तो बच्चों वाइवा में जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो थर्ड बुक से ही पूछेगा, वो किसी भी बुक से पूछ सकता है, बट फिर भी अगर मैं आप लोगों को वैसे बताऊं तो इससे ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो रिप्रेजेंट करता है बच्चों ऑनरशिप को, ठीक है, कि हमारे ऑनरशिप की क्या पोजीशन चल रही है। अब वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, फिक्स एसेट्स दे रखे बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर करंट एसेट्स। कह रहा है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, चलो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं।
लीजिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड निकालते हैं इसमें से। लीजिए तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। तो बच्चों इक्विटी शेयर है हमारा 3 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारा 1,50,000 और बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हमारा 75,000। ठीक है ये लीजिए। अब हमें क्या चाहिए टोटल एसेट्स भी तो चाहिए। तो ये लीजिए टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स में क्लियरली गिवन है हमें फिक्स एसेट्स प्लस बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है और क्या गिवन है हमें और गिवन है बच्चों अदर करंट एसेट्स। ये लीजिए अदर करंट एसेट्स उसने डायरेक्टली दे दिया हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं पड़ी। तो बच्चों देखो हमारा फिक्स एसेट्स है 3,75,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बच्चों 2,25,000 और अदर करंट एसेट्स देखो कितना है अदर करंट रेशियो है 1,50,000। लो इन तीनों का बच्चों टोटल कर लो तो याद आएगा 7,50,000। अच्छा 3 लाख और 1 लाख 4 लाख 4,50,000 4,50,000 और 50 तो ये आ गया बच्चों 5,25,000। लीजिए तो हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो तो हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है ये लीजिए 5,25,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स भी गिवन है बच्चों 7,50,000। लीजिए कैलकुलेटर पे प्रेस करिए आंसर निकालिए। ऑल्दो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ठीक है ना तो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई मैथ्स वाले बच्चे हो इतना तो जानते ही होंगे और विदाउट मैथ्स वाले भी हैं तो 10 तक तो मैथ्स पढ़ी है ना सिंपल मैथ्स है भैया ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों हमारा 0.7:1 तो ये आ गया हमारा आंसर 56 का। और तो बच्चों 56 बहुत इजी है बट एग्जाम में ये इजी क्वेश्चन ही आप नहीं कर पाते हो क्योंकि वहां पे आप हो जाते हो नर्वस तो कहते हो अरे यार ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था ये प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या क्या ऐड होगा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज भी देती है। जैसे बच्चों इस क्वेश्चन में डिबेंचर और ट्रेड पेबल का कोई भी काम नहीं है बट उसने दे दिया है क्योंकि उसको पता है अगर बच्चे ने ध्यान से मेहनत नहीं करी पढ़ा नहीं तो गड़बड़ करेगा इसमें बट आप लोगों को ध्यान रखना है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब मैं आप लोगों से एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें ही डिस्कस करने वाला हूं जो कि बच्चों हमारा है 58। ठीक है ना तो 58 को ध्यान से देखो समझ जाओगे आप लोग कह रहा है स्टेट। ऑल्दो बच्चों हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें क्विक रेशियो और करंट एसेट्स में भी किए हैं फिर हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में भी किया है वो पर्टिकुलर सिचुएशन देख के हमसे बोलेगा कि हमारा रेशियो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या नॉट चेंज होगा वही वाला है ये और कुछ नहीं नया थोड़ी ना आ जाएगा कुछ। देखो क्या कह रहे हैं कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द प्रोप्राइटरी रेशियो विल इंप्रूव डिक्लाइन और विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है हमें ये जो एडजस्टमेंट दिए इनकी अजम्पशन यूज करनी होती है देखना होता है कि इनकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा और जो हमारा प्रेजेंट रेशियो है बच्चों वो है 0.8:1। तो आप लोग पहले तो रफ में रफ वर्क याद रखना रफ वर्क आंसर तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रफ में कोई ऐसा अमाउंट लिख लेना जो 0.8:1 को क्लियर कर रहा हो ठीक है जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है प्रोप्राइटरी रेशियो में। लीजिए देखते हैं जरा लो तो इसमें कितने हैं फैक्टर्स हमारे वो देखते हैं मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग 58 कर रहे हैं इसमें हमें प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है तो इसमें है टोटल 5 केस तो लिखिए 1 नंबर 2 नंबर ठीक है 3 नंबर एंड 4 नंबर एंड 5 ये बच्चों मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन है ठीक है। अब मुझे रफ में ये सॉल्व भी करके देखना है ना कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रफ में दिमाग भी तो लगाना है तो मैंने डेट हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो तो बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
अब मुझे ये टोटल एसेट्स वाली और डेट शेयर होल्डर फंड वाली बच्चों वो सिचुएशन रखनी है, क्योंकि इन्होंने मुझे बोल दिया है कि प्रेजेंट सिचुएशन 0.82:1 है, तो मुझे यहां पे वो वैल्यू रखनी है जिससे ये रेशो बन जाए, ठीक है ना। तो ये रेशो कैसे बन जाएगा, कोई भी आपको जो ठीक लगे, बस ये बनना यही चाहिए। तो ये लीजिए, मैंने रखा बच्चों 8 लाख/10 लाख, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वो वाली पोजीशन आ जाएगी, कौन सी वाली, 0.8:1 वाली पोजीशन आ जाएगी। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू यही रखनी होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं कर रहा हूं ए पार्ट, और मुझे बताना है कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन में ए पार्ट को यूज कर लिया जाए तो हमारा रेशो इंप्रूव होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, ऑप्टन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर। तो बच्चों वो कह रहा है कि हमने एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले ली है, ठीक है ना। क्या ले लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखिए इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, शेयर होल्डर फंड पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारी टोटल एसेट्स बढ़ जाएगी बच्चों 5 लाख से। क्यों, अरे करंट एसेट्स बढ़ जाएगी ना, जो कैश या बैंक बैलेंस मिलेगा ना, 5 लाख रुपीज का बैंक से लोन लिया है तो हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा बच्चों लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी, बट शेयर होल्डर फंड थोड़ी ना होते नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो हमारा शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अब ये और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है डिक्रीज या डिक्लाइन, ठीक है ना, डिक्रीज या डिक्लाइन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा रेशो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्लाइन हो रहा है। ये लीजिए क्या हो रहा है, हमारा रेशो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, आप लोग चेक कर लेंगे बाद में इसे। लीजिए मैंने फिर से प्रेजेंट सिचुएशन बना दी, अब हम देखते हैं सेकंड केस में क्या कह रहा है। सेकंड केस में कह रहा है परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख बाय चेक। तो बच्चों हमने 2 लाख रुपए के एसेट्स को खरीदा है तो हमारा बैंक का बैलेंस तो चले जाएगा भाई, हमने चेक से खरीदा है ना, तो बैंक बैलेंस तो रिड्यूस होगा पर मशीनरी तो आएगी ना बच्चों, तो वो तो टोटल एसेट्स में सेम इंपैक्ट डालेगी भाई। 2 लाख रुपए की चीज गई और 2 लाख रुपए की चीज आई, यानी बच्चों ये आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन थी इस वाली ट्रांजेक्शन को डील करने के बाद फिर से प्रेजेंट सिचुएशन ही आ जाएगी, तो हमारे रेशो में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों नो चेंज। क्या आएगा करेक्ट आंसर, नो चेंज। ये एक्चुअली सॉल्यूशन है, ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं करना होता बच्चों, एग्जाम में सिर्फ आंसर लिख के आना होता है, ठीक है ना। चलो अगला थर्ड रीजन देखिए, फिर से प्रेजेंट सिचुएशन बना लेते हैं पहले। ये लीजिए क्या कह रहा है थर्ड में, कह रहा है रिडीम 7% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹3 लाख। तो बच्चों आपके 3 लाख के प्रीफरेंस शेयर को आपने रिडीम कर दिया, रिडीम मतलब बच्चों पेमेंट कर दी। तो देखो क्या होगा, आपका प्रीफरेंस शेयर 3 लाख से कम हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस टोटल एसेट्स का तो पार्ट होता है, तो आपका टोटल एसेट्स भी कम हो जाएगी, तो आपका नया रेशो आएगा 5 लाख/5 लाख। तो ये आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1:1। तो क्या हो रहा है हमारा रेशो, हमारा रेशो हो रहा है इंप्रूव, पहले 0.81 था, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हैं तो हमारा शेयर इंप्रूव हो जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशो इंप्रूव होगा, ठीक है। 5 लाख/7 लाख, अच्छा 7 लाख होगा, सॉरी 7 लाख होगा बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। तो अब जो चेक कर लेते हैं फिर क्या होगा, अच्छा ये लीजिए 5 लाख/7 लाख, तो बच्चों ये 0.71, लो ये डिक्लाइन होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ये 0.71:1:1 आ रहा है, ठीक है, 0.71:1। तो पहली सिचुएशन क्या थी, 0.8:1, तो अब क्या हो गई, और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉरी गाइस वो पहले वाला गलत था, तो ये डिक्रीज हो जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। लीजिए तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देते हैं तो हमारा शेयर होल्डर फंड भी कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर तो हमने वापस कर दिया, रिडीम कर दिया, पेमेंट कर दी, और हमारा कैश या बैंक बैलेंस भी तो कम होगा, तो सिचुएशन हो जाएगी हमारी डिक्लाइन की या डिक्रीज की, ठीक। लीजिए प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं फिर से, लिखो
अब क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ में कह रहा है कि इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज 7 है। बच्चों हम वैसे ये टॉपिक कर चुके हैं, आप लोगों ने ये डिवेंचर के केस में भी किया था और शेयर्स के केस में भी किया था, जिसमें हम बिना पैसे लिए वेंडर से बिल्डिंग परचेज करने के बदले में इक्विटी शेयर या डिवेंचर को इश्यू कर देते थे। तो यहां पे सेम ही कंडीशन है। तो यहां पे बच्चों हमने 7 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, तो हमारे इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, यानी हमारा शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, अरे हमारी टोटल एसेट्स भी तो बढ़ेगी, हमने बिल्डिंग परचेस करी है बच्चों, आप लोग कहां सो रहे हो ख्यालों में। तो ये आ गया बच्चों 15 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख, ये लीजिए। तो जरा रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आएगा, 15 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख, तो ये आ गया बच्चों 0.88:1। ओहो, प्रेजेंट सिचुएशन थी 0.80:1, अब 88 हो गई, तो बच्चों 0.08 से इंक्रीज हो गया है हमारा रेशियो, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा इंप्रूव या इंक्रीज, ये लीजिए फोर्थ रीजन हो जाएगा बच्चों हमारा, इंप्रूव या इंक्रीज आप लिख सकते हो। लीजिए लास्ट सिचुएशन बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रिडीम 10% रिडीमेबल डिवेंचर ऑफ ₹6 लाख। बच्चों आपने अपने डिवेंचर को रिडीम किया है, तो डिवेंचर को रिडीम किया है तो जो डिवेंचर है वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं ना। डिवेंचर क्या होता है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये लीजिए रिडीम हो गया, तो यहां पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा कैश कम हो जाएगा 6 लाख से, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 लाख और ये आ जाएगा 4 लाख, और शेयर होल्डर में तो कोई डिक्रीज होगा नहीं, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2:1। तो क्या हो रहा है हमारा रेशो, हमारा रेशो इंप्रूव हो रहा है, तो ये लीजिए इंप्रूव, ठीक है ना। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे के रेशो करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो जय हिंद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद सभी को।